नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं लखानी धर्मशाला। लखानी धर्मशाला और आप देख सकते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है आज, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा सब लोगों के यहाँ पहुंचने की संभावना है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, छोटे बड़े नेता सब यहाँ जुटे हैं। और आप एक बार माहौल दिखाते हैं, चारों तरफ कांग्रेसियों के बोर्ड टंगे हैं, कांग्रेसियों का ये कार्यकर्ता सम्मेलन आप ये देख सकते हैं। और ये देखें, आप दिखा दें, चारों तरफ नेताओं की, कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। और ये देखें आप, भीतर लेकर चलेंगे आपको, भीतर से दिखाएंगे आपको, तमाम कार्यकर्ता यहाँ तैयार खड़े हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ तैयार खड़े हैं नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए लगातार। जी जी, कैसे हैं आप? जी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। जिला प्रधान पंजाबी और भीड़ है, जिला पंजाबी होना चाहिए चाहिए चाहिए। अब ये बात तो अंदर उठाएंगे ना। हाँ, ज्ञान चंद आहूजा जी उठानी बेटे। मैं तो आपके साथ ही हूं। नहीं, मेरे साथ तो तू है ही, तू मेरी बेटी है, छोटी बहन है, बेटी तो नहीं है, छोटी बहन है मेरी। लेकिन आप लोग अगर मिलके पंजाबियों को जिले का अध्यक्ष बना देंगे, एक सीट चाहे कहीं की दिला दो हमें, पंजाबियों को अगर सरकार न बने मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। और बोलो, कटवा दूंगा। क्या है मसला, क्या है वो थोड़ा सा बता दें। हम इनका समर्थन करते हैं जी। जी क्या है मसला? हम ये चाहते हैं कि जिला कांग्रेस, मैं ज्ञानचंद आहूजा हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन मंत्री रहा हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑनराइज का चेयरमैन रहा हूँ, हरियाणा इंटक का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। लेकिन एक मेरी आपसे प्रार्थना जरूर है, फरीदाबाद जिले का कांग्रेस का अध्यक्ष पंजाबी होना चाहिए, एक सीट हमें जरूर मिलनी चाहिए, सीटें दो बनती हमारी, एक सीट हमें जरूर मिलनी चाहिए, उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जहां झुग्गी वहीं मकान, जहां खोखा वहीं दुकान का नारा हमारा झुग्गियों वाले साथ देंगे। बीजोपुर, लदियापुर, कपूरपुर, चक्कोपुर, मादलपुर, फतेहपुर, कैली, खंदावली, जाजरू, प्याला, सीकरी, सिकरोना, मरकपुर, हरभला, मोला, आपका ध्वज, आलमपुर, सिरोही, पावटा, मोहब्बताबाद, पाखल, अनंगपुर, लकड़पुर, आपका अनखीर, भाखरी, नवादा, ये जो हमारे फतेहपुर चंदीला और मेवला महाराजपुर, सारे गांव हमारे इसमें आते हैं। हम एक एक आदमी को वहां से इकट्ठा कर देंगे। 3.5 लाख वोट डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में है, 50,000 वोट पलवल में है, 4 लाख वोट हमारा पंजाबियों का है। अगर इनको सही इस्तेमाल करना चाहती है हमारी पार्टी, मैं कांग्रेसी हूं, मैं टिकट चाहे किसी को मिले, मेरा वोट फिर कांग्रेस को जाएगा, चाहे मैं कितना भी नाराज हूं। अगर अगर नहीं दिया तो नहीं जाएगा? कैसे मतलब, अगर नहीं दिया टिकट तो नहीं जाएगा? मैं कह रहा हूँ कांग्रेसी है, दोनों बातें देंगे। मैंने कहा एक सीट हमें मिलनी चाहिए, एक सीट हमारी मिलनी चाहिए। ज्ञानचंद जी, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, पिछली बार कांग्रेस ने किसी पंजाबी को यहाँ विधानसभा के लायक नहीं समझा कि उसको विधानसभा। ज्ञानचंद आहूजा को टिकट दे रहे हैं? नहीं, कहाँ दिया, दिया ही तो नहीं। दे देना, 2000 में टिकट क्यों दिया था मुझे? नॉमिनेशन करने के बाद 25-30,000 में नॉमिनेशन में था, टिकट चेंज कर देगी। लोगों ने नाराज होकर हमारे कैंडिडेट को रहा, ये मुझे भी बड़ा तकलीफ हुई है, बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात का। पंजाबी सीमा तिरखा बन रही है, पंजाबी क्या नाम है हमारा, आपका केडी कपिल बना, के एम गुलाटी बना, राजेश अपना कुंदला भाटिया बना, दीपचंद भाटिया बना, एसी चौधरी 3 बार बना, आज सीमा तिरखा 2 बार बन रही है। पंजाबी को बना रहे ना, पंजाबी को टिकट एक जरूर दो, 9 में से लोकसभा में 9 सीटें हैं, 1 सीट पंजाबी को दे दो, जिला कांग्रेस कमेटी का प्रधान पंजाबी को दे दो। मैं कह दो सरकार अगर कांग्रेस की ना बने मेरे गर्दन कटवा दूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। अब तो पंजाबी ऐसा कहा जाता है कि पंजाबी सब मनोहर लाल जी की वजह से बीजेपी के पास चले गए। ऐसा नहीं है, कांग्रेस को टिकट दे दो एक पंजाबियों को। मनोहर लाल खट्टर की मैं देखो, मैं किसी की बुराई करने में सक्षम नहीं हूँ, थोड़ी कर रहे हैं हम, मैं तो बुराई करने में सक्षम नहीं हूँ। क्यों नेतृत्व में सब कांग्रेस, मैं आज बीजेपी को, आज पद नहीं है, पद होता तो मैं प्रवक्ता के नाते मैं आपसे मेरे सामने बात भी रखता, लेकिन जय पंजाबी, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पद चाहिए यहाँ, कौन सा पद चाहिए? मुझे जिले का प्रधान बना दो, अशोक राणा को बना दो, गुलशन बग्गा को बना, किसी को बना दो। गुलशन बग्गा जी तो रह लिए, पहले भी प्रधान रहे, मुझे बना दो जिले का प्रधान। अशोक राणा मेरा, अशोक राणा मेयर रहे हैं, मुझे प्रधान हो। मैं आपको अगर बीजेपुर, लदियापुर, कपूरपुर, चक्कोपुर, माधोपुर, फतेहपुर, कैली, खंदावली, जाजरू, प्याला, सिकरी, सिकरोना, मनकपुर, हरभला, मोला, झांसी, त्रिकोची, नंगला, जुगरान, नंगला, जोगियान, मादलपुर,
धो जालमपुर से बापडा मोहब्दाबाद बाखा लड़नपुर लकड़पुर कोई बड़खल कोई ऐसा गांव है अनखीर चाहे आपका मेवला महाराजपुर है चाहे कोई गांव है कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर कांग्रेस की वफादारी 1500 बूथ है 1500 बूथ में हर कमेटी हर बूथ पर 11 आदमी की कमेटी बढ़ा के दूंगा ये मैं आपसे वायदा करता हूँ इस बात का। अब ज्ञानचंद जी मतलब जिलाध्यक्ष की मांग हो रही है हाँ। पहले बी आर ओझा जी यहाँ रहे जिलाध्यक्ष फिर गुलशन बग्गा जी भी रहे पंजाबियों को भाई साहब एक मिनट बात कर ले दो और पंजाबियों को मिला हाँ। अब किसी दूसरी बिरादरी को मौका मिलना चाहिए नहीं लगता आपको? क्यों क्यों ना मिले हमें हमें 4 लाख वोट हमारा पंजाबियों का है हम कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारा हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारा हुआ हालात ऐसे पैदा हो गए हम हिंदू थे हम हिंदुस्तान में आए हमारा आदमी सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11 में और सेक्टर 16, 15, 14, 16 में, 17 में और 16A में, 15 में आज वह बैठा हुआ है बल्लभगढ़ में बैठा हुआ है पलवल में बैठा हुआ है NIT में पूरी ज्वार कॉलोनी पंजाबी भरी पड़ी है आप बल्लभगढ़ में चले जाओ कौन सी जगह ऐसी जहाँ पंजाबी हमारा चाहे वो चाहे आपका क्या नाम है पंजाबी मोहल्ला है चाहे चावला कॉलोनी है चाहे आदर्श नगर है पंजाबी भरा पड़ा है फिर इसके बाद आप या सेक्टर में आप चले जाओ 22 सेक्टर 23 सेक्टर SGM नगर संजय कॉलोनी 3 नंबर के पीछे सारा पंजाबी से भरा पड़ा है 46 सेक्टर ग्रीन फील्ड पंजाबी से भरा पड़ा है मेरी आपसे प्रार्थना है पत्रकार बंधुओं कांग्रेस को अगर मजबूत बनाना है पंजाबी को जिले का अध्यक्ष बना दो उसके बाद देखना एक एक बूथ पे अगर आपको 11 आदमी ना मिले तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ इस बारे में जी। तो आप देख सकते हैं राजेश भाटिया यहाँ मौजूद हैं भरत अरोड़ा यहाँ मौजूद हैं जी बात में दम है और इनको जो है ना ये जो हमारे हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान जी को वहाँ तक पहुँचनी चाहिए बात और राहुल गांधी तक बात राहुल गांधी तक पहुँचनी चाहिए और भरत अरोड़ा यहाँ खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे भरत जी जी सर आप जो साथी रखेंगे बड़ा हल्ला कर रहे हैं पंजाबी को बनाया जाना चाहिए जिला अध्यक्ष नहीं कर रहे वो अपने मन का दर्द बयां कर रहे हैं क्योंकि जिस बिरादरी का कोई सरदार नहीं होता उस बिरादरी का समाज में कोई किरदार नहीं होता और ये बात पूरी तरह हम लोग देख रहे हैं हमारे ऊपर लागू हो रही है हरियाणा में 32.8% आबादी का हिस्सा रखने वाली कांग्रेस पार्टी जिस बिरादरी का इतना बड़ा एक वोट बैंक है 32.8% हम लोग हैं उस पार्टी मतलब हम लोग कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं बेसिकली कहीं तो हम हरियाणा में 17 सीटों पर होते थे कहीं हम BJP और कांग्रेस मिला के केवल 7 सीटों पर सिमट के रह गए तो सर मैं आपके व्यूअर्स को अपनी पार्टी की आला कमान को रिक्वेस्ट करूंगा जब अन्य पार्टियां कहती हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी तो कांग्रेस इस बात के ऊपर अमल क्यों नहीं करना चाहती कांग्रेस ने पिछले 2019 के चुनाव में भी पंजाब कांग्रेस तो जात पात की राजनीति नहीं करती है पुराना नारा है जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर सर बिल्कुल बिल्कुल जो हमारा हक है वो हक मांग रहे हैं जब इंद्रानगर रामनगर कृष्णानगर संतनगर में चले जाओगे नेहरू कॉलोनी कल्याणपुरी राहुल कॉलोनी दर्श कॉलोनी में चले जाओगे पंजाबियों के साथ झुग्गी झोपड़ी भी है जहाँ झुग्गी वही मकान जहाँ खोखा वही दुकान हमारा नारा है पंजाबी एकता जिंदाबाद पंजाबी एकता पंजाबी एकता जिंदाबाद अपना हक मांग रहे और मांग के रहेंगे अपना मैं आपकी जानकारी में बिल्कुल डाल दूं बिल्कुल आपने ठीक बोला कांग्रेस पार्टी कभी भी जात पात की राजनीति के ऊपर विश्वास नहीं रखती वो एक ही बात कहती है ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर बिल्कुल सच्चाई है इसका बहुत बड़ा प्रमाण हम आपको दे सकते हैं 2019 का विधानसभा चुनाव आप सब लोगों के समक्ष है हमारा हक बनता था ना केवल फरीदाबाद के अंदर हम 2 सीटों पर लगातार अपनी पार्टी से डिमांड करते हैं हमारा हक बनता है उन्होंने किसी भी हमारे साथी को टिकट दी हमने मन वचन और कर्म साथ ही साथ तन मन और धन के साथ अपनी पार्टी के उस कैंडिडेट के लिए काम करा यदि अपने समुदाय की आवाज उठाना गलत है तो हाँ फिर हम जरूर गलत हैं यदि अपने समुदाय की आवाज को उठाना सही है तो मैं निश्चित रूप से अपने समुदाय की आवाज को निरंतर उठाता रहूंगा क्योंकि आने वाले कल में यदि हम लोग आज देखिए व्यापारिक दृष्टिकोण से हम लोग समृद्ध हैं हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध हैं टिकट चाह रहे हैं जिलाध्यक्ष चाह रहे हैं क्या हम लोग एक ही बात चाह रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी संख्या है तो उसी हिसाब से हमें अपनी संख्या के हिसाब से हमारे सत्ता के अंदर भी अपनी भागीदारी चाहिए पर सत्ता तो नहीं अभी तो विपक्षी चल रहा है सर विपक्ष चल रहा है तो विपक्ष में आने वाला चुनाव है 2024 का हम टिकट भी मांगेंगे हम जिला अध्यक्ष का पद भी मांगेंगे पार्टी ने देना सर पार्टी ने देना या ना देना क्यों ना ये देना? सर मैं पूरी बात पार्टी दे या ना दे हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं हम लोग कांग्रेस के ही सिपाही रहेंगे हम लोग पार्टी के साथ बिल्कुल भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी इमेज पे खराब हो साथ ही साथ एक ही बात
हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पंजाबी एकता जिंदाबाद, जय पंजाबी, जात पंजाबी, उठो पंजाबी, जागो पंजाबी, जागो पंजाबी। जी पूर्व पार्षद हमारे साथ हैं राजेश भाटिया, बात करेंगे उनसे भी। बड़ा हल्ला कर रहे हैं, मांगा जा रहा है। ज्ञानचंद आहूजा जी पूरे जोश में हैं, और मतलब ये 75 साल का आदमी जितने जोश से हो सकता है उससे भी ज्यादा जोश से। 74 साल का कहते हैं कि 50 में पैदाइश है मेरी। सौरव जी कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती। कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, और अगर माँ के आगे नहीं रोएंगे तो कहाँ रोएंगे। और अगर हम आज पंजाबी रो रहे हैं तो अपने हक के लिए रो रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो अवहेलना हुई है हमारी वो हमने देखी है। तो उसके अवहेलना को देखते हुए हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा भी तो कोई एक घर हो जहां हम जा सकें, जहां अपना दुख दर्द बयां कर सकें, किसके आगे करें। अभी आपने कहा भरत भाई को जात पात की बात, जात पात की आज भी बात नहीं है। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस के पुराने नारे को याद दिलाया मैंने। जात पात की बात नहीं है, हम अपनी नाराजगी प्रकट करेंगे, अपनी डिमांड रखेंगे। और यदि कांग्रेस पार्टी हमारी माँ, यदि हमें नहीं देगी तब भी हम माँ की छाव में ही रहेंगे, ये वादा भी है। ये वादा समस्त पंजाबी बिरादरी की तरफ से, और ये वादा हमने करके नहीं भाया है। पिछला आप आंकड़ा देख लो, टाउन के वोट निकाल लो, कांग्रेस गए हैं कि बीजेपी को गए हैं। आप किसके गए हैं? अगर गए हैं तो उसको देखते हुए हम अपना हक मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं जय पंजाबी। हम तो यहाँ मौजूद हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं, और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस का हर छोटा बड़ा चेहरा आपको आज यहाँ नजर आएगा। एक बार कैमरा इस तरफ भी घुमा के दिखा दें। आफताब अहमद भी पहुँच गए हैं, पूर्व मंत्री वो भी पहुंच गए हैं, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ विधायक नीरज शर्मा हैं जी, शारदा राठौर यहाँ मौजूद हैं, पूर्व विधायक आफताब जी यहाँ पहुंच गए हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल। आज कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए तमाम कांग्रेसी, छोटे बड़े कांग्रेसी, कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी कार्यकर्ता सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, और फरीदाबाद पूरा जमघट यहाँ लगा है कांग्रेसियों का। थोड़ा भीतर लेकर चलेंगे आपको, भीतर से दिखाएंगे, देख सकते हैं आप। कांग्रेस के लगभग नेता यहाँ पहुँचे हैं, और ये देख सकते हैं आप कि राशन ले लो, कुछ मत बोलो, मुंह को ना खोलो। नहीं तो मेरे पास विजय की शक्ति है, बहुत गड़बड़ रहा है जमाने में बहुत, और जितनी भी इसकी प्रशंसा करी जाए उतनी कम। बाटा के रूप में उस जमाने से लेकर आज तकरीबन 40 साल हो गए होंगे मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था। एक बार आपको दिखाएंगे सम्मेलन में उपस्थित हमारे विधायक जी पूर्व मेयर जी समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता, मेरे पिता के बुजुर्ग और नौजवान साथी, आप सभी का इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ जी यहाँ बैठे हैं ये देख सकते हैं आप, तमाम कांग्रेसी पहुंच चुके हैं। चल चुकी इस प्रथा को रोकने का हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। जिम्मेदारियां हैं कि हम जब भी कहीं पर भी कोई गलत कार्य होता है, चाहे वो राज्य सरकार की ओर से हो, ये देख सकते हैं आप, भारत सरकार की ओर से हो, हम कभी अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाते। विरोध आज देखिए देश के अंदर जो भाईचारा खत्म हो रहा है उसको किस तरह से खत्म किया जा रहा है। जिस देश के अंदर एक अभिवादन हुआ करता था जय श्री राम का, आज उस अभिवादन को खत्म करके एक नारा दे दिया गया, देख सकते हैं आप, जय श्री राम का, जहां महिलाओं को सम्मान की मांग करते हैं, 50% की आरक्षण की मांग करते हैं, जो जय श्री राम का नाम था उसको जय श्री राम कार्यकर्ता सम्मेलन। आप बताइए हम कहां महिलाओं का सम्मान देने की बात कर रहे हैं। हमारे फैजाबाद शहर के अंदर यहाँ पर साथी जो है जिला फैजाबाद से, मैं फैजाबाद की बात करूं, फैजाबाद शहर के अंदर शहर के बीचों बीच देखें
अपना बसंत हुआ करता था उसे लखानी धर्मशाला में बड़ी तादाद में आज कांग्रेसी जुटे हैं और हम चुप हैं इसीलिए अत्याचार बढ़ रहे हैं। इंतजार में है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुँचेंगे, सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पहुँचेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान यहाँ पहुँचेंगे और बात करेंगे हम। क्या शुभ नाम? मेरा नाम ईशांत कथूरी है जी। कथूरिया जी, बड़ा मुद्दा हल्ला मच रहा आज कार्यकर्ता सम्मेलन, आज थोड़ा इधर बात करेंगे जी। आज ये कांग्रेस का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीस बिरादरी के नेता और भावी मुख्यमंत्री भी हम कह सकते हैं उनको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्य अतिथि हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी और युवा दिलों की धड़कन राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पे आ रहे हैं और इससे आज कार्यकर्ताओं को एक और जोश और ऊर्जा का संचार होगा। जैसे आप देख सकते हैं आज ठंड का मौसम है फिर भी कार्यकर्ताओं के जोश में कमी नहीं है और सत्ता में बैठे भाजपा नेताओं को आज जरूर पसीने छूटने वाले हैं और इससे एक मैसेज क्लियर जाने वाला है कि जो पूछते थे कांग्रेस कहाँ है वो आज देखेंगे कांग्रेस यहाँ है। इस चीज से मैं आपको आज एक मैसेज क्लियर मिलेगा आपको यहाँ से। कांग्रेसियों का कार्यकर्ता सम्मेलन और तमाम छोटे बड़े कांग्रेसी यहाँ नजर आ रहे हैं जी। फरीदाबाद और जोड़ दूं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं की तरफ से कहते हैं ना कि आग देख कर मेरे मचल रही है हवा, ना जाने कितने दिन से बहुत तेज चल रही है हवा, जो उड़ा रहे थे मजाक हमारी तबाही का वो देखो आज रुख बदल रही है हवा, वो देखो आज रुख बदल रही है हवा जी। कुछ बोलेंगे आप भी? हाँ नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय अधिकार मिशन से रतनपाल चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ और मैं समर्थक में हूँ कांग्रेस पार्टी के। हरियाणा के अंदर एक बार बदलाव चाहती है हरियाणा की जनता, कांग्रेस को दोबारा से और हरा भरा करना चाहती है, राज चाहती है कांग्रेस का। बीजेपी यहाँ से जाने वाली है, खट्टर जो है यहाँ का मुख्यमंत्री प्रशासन को जो बेकार कर रखा है, यहाँ कोई कानून कार्रवाई नहीं होती है। तो देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ जुटे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।